हेलो हेलो वीडियो देखने वालों, जी हाँ, घर से रिव्यू में आपका स्वागत है। घर से रिव्यू में मैं कुछ अलग सी कोई नई चीज़ ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए, और मुझे लगा कि इसका रिव्यू हम घर से बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। मैं करने लगा हूँ Zomato से ऑर्डर, और क्या नई चीज़ लेके आया हूँ आपके लिए, चलिए पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो हम Zomato से ऑर्डर करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं आज क्या ऑर्डर करने वाला हूँ। ये देखिए, Zomato की वेबसाइट हमने खोल ली है और वहाँ पर एक आउटलेट मुझे मिला है। मुझे काफ़ी टाइम हो गया, 1-2 साल पहले मैंने इनका ये यहाँ से फूड ट्राई किया था, कुछ अलग लगा था और काफ़ी पेट भी भर गया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं आपको क्या नई चीज़ दिखा रहा हूँ। ये आउटलेट का नाम है मून जूसी क्रस्ट स्विचेस। जी हाँ, ये बेसिकली देखिए, आपको मैं फोटो इसकी क्लोजअप दिखाता हूँ कि देखिए ये कैसी चीज़ है। तो ये देखिए, बीच में पनीर लगा है, वेजीज लगे हैं, और ये एक जैसे होता है ना कि पिज़्ज़ा बेस को ऐसे सर्व करने की जगह ऐसे जैसे सैंडविच होता है वैसे करके सर्व किया जा रहा है। तो ये मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा, और 2-3 यहाँ की अलग अलग टाइप के ये जो सैंडविचेस कह लीजिए या क्रस्ट कह लीजिए, पता नहीं क्या कह सकते हैं इसको, लेकिन ये भी दिखाएंगे। ये ऑर्डर करते हैं, उसके बाद टेस्टिंग करते हैं। तो Zomato से मेरा ऑर्डर यहाँ पर डिलीवर हो गया है। स्विगी का मुझे आइडिया नहीं है कि ये स्विगी पे ये आउटलेट है या नहीं, लेकिन आप चेक कर सकते हैं। लोकेशन इसकी रजौरी गार्डन शो करता है, टैगोर गार्डन के आसपास वाला एरिया जो वेस्ट दिल्ली का है वहाँ का शो करता है Zomato पे, और स्विगी पे आप चेक कर सकते हैं। मैं पर्सनली स्विगी यूज़ नहीं कर रहा, मेरे को 2-3 साल से ज़्यादा हो गए मैंने स्विगी बंद कर दिया, क्योंकि कुछ सपोर्ट मैंने उनसे मांगी थी, कुछ इशू था और उनका रवैया ठीक नहीं लगा, तो उस दिन मैंने स्विगी को अनइंस्टॉल कर दिया। लेकिन Zomato और स्विगी की प्राइसिंग का मुझे आइडिया है कि Zomato पे हमेशा थोड़ा सा महंगा मिलता है एज़ कम्पेयर टू स्विगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये Zomato से क्या क्या ऑर्डर किया है मून आउटलेट से। देखिए, एक मैंने ऑर्डर किया है बैंकॉक ऑन मार्स सब, जी हाँ, ये 235 रुपये का है। दूसरा मैंने किया है पनीर मखनी क्रस्विच ब्लास्ट, और तीसरा प्लूटो चीज़ टोस्ट स्नैकविच, ये 159 का है। और ये जितनी चीज़ें मंगाई हैं मैं स्क्रीन पे रेट फ्लैश कर दूंगा, लेकिन ये टोटल बना था 623 रुपये। 220 रुपये का मुझे कोई Zomato पे कोई डिस्काउंट वगैरह था वो मिला, तो ओवरऑल सारे डिस्काउंट टैक्सेस वगैरह मिला के 443.95, यानी कि 444 का मुझे ये तीन जो मैंने मंगवाए हैं, ये तीन सैंडविचेस कह लीजिए, सब किलर्स कह लीजिए, जो भी है, ये आप गेस करना कि इसका क्या नाम रख सकते हैं। ये तीन मैंने डिफरेंट वैरायटी के मंगवाए हैं, और 444 इसकी कॉस्ट पड़ी है मुझे। तो देखिए, ये इसकी पैकिंग है, और ऊपर लेबलिंग की हुई है कि लेबल लगाया हुआ है, ये पनीर मखनी ऊपर लिखा है, ऐसे ही ये दूसरे आए हैं, तो सेम पैकिंग है, अच्छी पैकिंग है जो मुझे लगी। तो देखिए, जैसे ही हमने ऊपर से कवर हटाया तो ये देखिए बढ़िया से अच्छे से ब्रांडिंग करके बढ़िया पैकिंग की हुई है, पैकिंग लाजवाब है, मून लिखा है, और बहुत ही अच्छी डिसेंट पैकिंग। बैंकॉक सब किलर, जी हाँ, क्लोजअप लाइए, ये देखिए मेरी प्लेट में, ये देखिए, ये ऐसे सर्व किया जाता है, और ये चीज़ निकली है जब हमने ऊपर से पैकिंग हटाई है। ये देखिए, इसके अंदर वेजीज हैं, और देखते हैं, ये बैंकॉक सब किलर है। ये देखिए, इसके अंदर देखिए बड़ा कुछ है, वेजीज हैं, तो ओवरऑल मेरे को ये लग रहा है ये पता नहीं क्या है, मशरूम लग रही है, हाँ जी, तो ये ट्राई करते हैं। ये देखिए, लाल मिर्चें हैं, कॉर्न्स हैं, वेजीज हैं काफ़ी, इसको ट्राई करते हैं। चीयर्स। सबसे पहले बेस की बात करूँगा, ये बेस पिज़्ज़ा जैसा बहुत लग रहा है, लेकिन इसका टेस्ट भी थोड़ा ब्रेड पिज़्ज़ा जैसा है, लेकिन जो ये बेस है बहुत ही सॉफ्ट है, ये जैसे मैदे का होता है ना वो वाली फील नहीं दे रहा कि भाई सूख गया है, या बहुत ज़्यादा जैसे इसके अंदर चीज़ें लगाई हुई हैं, सॉसेस लगाई हैं, या सॉगी हो गया है, तो बेस परफेक्ट है।
उसके बाद टेस्ट की बात करूं, इसके अंदर जो सॉसेस लगाई हैं उसमें से हल्की सी मिठास है, और जो वेजीज लगाए हैं और जो मशरूम है इसके अंदर वो टेस्ट को एनहांस कर रही है। टेस्ट वाइज अच्छा है इनका। अब हम दूसरा वाला देखते हैं कैसा है। नेक्स्ट इज पनीर मखनी। ये देखिए, क्लोजअप लाइए, ये देखिए बेस सेम है। ये देखिए इसके अंदर पनीर टिक्के के पीसेस हैं और वेजीज लगे हुए हैं। इसको टेस्ट करते हैं। ये है पनीर मखनी वाला। ये ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई पनीर को हल्का सा रोस्ट किया हुआ है, उसके ऊपर कोई सॉस लगाई हुई है। ये टेस्ट करके देखते हैं ये कैसा है। पनीर मखनी, जी हाँ, जैसे वो मखनी रेडीमेड सॉस आती है ना, और थोड़ा सा पनीर को रोस्ट किया हुआ है वो लगा के, सॉसेस लगा के इसको तैयार किया गया है। ये थोड़ा इंडियन फ्लेवर दे रहा है, मखनी फ्लेवर दे रहा है। तो अगर आप नॉर्थ इंडियन जैसी चीज़ें पसंद करते हैं खाने, तो ये एक नई चीज़ है, आपको मज़ा आएगा। और ये जो इसका ब्रेड कह लीजिए, बेस कह लीजिए, बहुत बढ़िया इसके फ्लेवर के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो पेश है नंबर 3। जी हाँ, ये प्राइस में सबसे कम है। और ये देखिए इसकी स्टफिंग दिखाता हूँ। इसके अंदर ना वेजीज काफ़ी हैं, खीरा है। ये देखिए, ओवरऑल देखें तो बनाने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है। जो चेंजेस दिख रहे हैं मुझे, देखिए वेजीज ऑलमोस्ट सेम है, इसमें एक मुझे ये खीरा एक्स्ट्रा लग रहा है जो लगा हुआ है। ओवरऑल बनाने का तरीका सेम है। ये चीज़ वाला है, इसके अंदर मुझे लग रहा है ये चीज़ लगाया गया है। इसको टेस्ट करते हैं। ये देखिए, चीयर्स। अगर मैं तीनों में कंपेयर करूं तो ये टेस्ट वाइज सबसे नीचे है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, वेजीज हैं और चीज लगाया गया है। जो मैंने पनीर वाला खाया उसमें अच्छे फ्लेवर से, और जो उससे पहले बैंकॉक वाला खाया वो भी लाजवाब था। तो इन तीनों में मुझे ये सबसे लीस्ट ये पसंद आया, लेकिन जो पहले दो वाले थे वो लाजवाब। ना ये पिज्जा है, ना ये सैंडविच है, ये दोनों का मिश्रण करके कुछ बनाया गया है। मुझे ये लगता है कि आपको कुछ नया ट्राई करना है तो एक बार ये जरूर ट्राई करें। टेस्ट वाइज अच्छा है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और भी नई नई चीज़ें ट्राई करूं, तो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। कोशिश रहेगी उसको ट्राई करने की। और हमारी 15 जेम्स ऑफ दिल्ली की सीज़न 2, जी हाँ सीज़न 2 2023 आने वाला है। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।